सो गाइस ये वाला वीडियो ना मैंने कभी भी अपने चैनल पे ऐसे लाइव नहीं करा हुआ है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग एंड आई फेल कि इसको करना बहुत जरूरी है एंड दीज आर लाइक माय टॉप 6 रीसेंट लॉन्चेस जो अभी मार्केट में आई है एंड दे हैव एक्चुअली ब्लूड माय माइंड. ठीक है ओके इनमें से ये एक है ना ये रिसेंटली नहीं आया है ये पिछले साल मैंने यूज़ किया हुआ था अभी फिर से आया सो आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस विद यू एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज अनस्पॉन्सर्ड सो ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू विद the help of the science back explanation that I give on the video wahi hoga is video mein so let's start is ya last mahine ka jo latest launches tha aur wo kya karte hain and why they are best that's what we'll be going to talk about basically hair care and skin care hi main cover karungi shayad body care bhi main karungi kyunki mere paas wo product hai so yeah without much talking let's get started. गाइस मुझे ना पी आर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बेसिकली मैं सबको ही यूज़ करती हूँ एंड आई विल ओनली रिकमेंड या मैं वीडियोज़ उन्हीं के ऊपर ही बनाती हूँ इवन इफ इट्स रील और शॉर्ट्स जो बहुत अच्छे हैं जो लिटरली दे वर्क जो वो प्रोडक्ट क्लेम करता है एंड विच आई डेफिनेटली यूज़ सो द फर्स्ट वन हैज़ टू बी दिस क्लेंजर दिस इज़ फ्रॉम निविया डर्मा स्किन क्लेंजर ये उनका नया लॉन्च है आप देख सकते हो बहुत प्यारी पैकेजिंग है एंड बहुत प्रीमियम भी लगता है ये सिंस समर इज़ गोइंग ऑन हमारी स्किन बहुत स्टिकी एंड ऑयली हो जाती है ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है सो दिस इज़ वॉट यू कैन यूज़ इट्स अ वेरी गुड फेस वॉश क्योंकि इसमें इंग्रीडियंट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनमाइड है सो इवन इफ योर स्किन इज एक्ने प्रोन या स्किन में एक्ने हो रहा है या छोटे छोटे दाने हो रहा है जबकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है कॉम्बिनेशन है बट दिस सीजन आई एम सीइंग कि थोड़े से पिंपल्स आ जाते हैं थोड़े से बम्स निकल जाते हैं सो दिस फेस वॉश इज गोइंग टू हेल्प यू लेट मी शो यू द टेक्सचर टेक्सचर आप देखो बहुत लाइट वेट है और It doesn't have fragrance, so even it's good for sensitive, oily, sensitive to oily skin. And this is the texture, guys. बहुत liquidy सा texture है. And best part, आप इसको daily use कर सकते हो. This is going to control the oilyness that you are having in your skin or you've been seeing. So now the next product, which is again my very very favorite, it's because of the ingredient. So this is the Formula X Barrier Plus. Now why this is my favorite? क्योंकि इसमें ingredients like peptide ceramide hair and this is a moisturizer so this is basically it's going to help people with certain skin conditions jinke skin barrier na hamesha damage rehti hai and also if you are above 25 aapko pata hi hoga mere pichle video se aapko skin care ingredients mein peptide and ceramide use karna chahiye taki aapki skin ki elasticity rahe ye ingredients ke upar maine pichla video banaya tha if you want you can go and check it out bahut zaruri hota hai is age mein aake after you cross 25 aapke skin mein peptide aur ceramide aapko lagana padega kyunki इंटरनली स्किन की जो पेप्टाइड्स एंड सेरामाइड है वो डिप्लीट हो जाती है सो लेट्स सी इसका टेक्सचर और वो कैसा है टेक्सचर की बात करें इट इज लाइट वेट हैवी क्रीम की तरह नहीं है एंड या आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हो स्पेशली इफ यू आर अबव 25 एंड अगर आपकी स्किन अगर आप 25 की भी नहीं हो आपको कुछ हाइड्रेटिंग सा चाहिए आप देख सकते हो इट्स वेरी हाइड्रेटिंग ईजिली डिजॉल्व हो गया स्किन में एंड या स्किन को टाइट रखना है स्किन के बैरियर अगर डैमेज्ड है उसको ठीक करना है स्किन सेंसिटिव है तो आप ये क्रीम ज़रूर लगा सकते हो क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है इट इज़ मेंट फॉर द कंसर्न्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू सो या दिस इज़ तो मेरा फेवरेट और आई कांट वेट टू ट्राई एंड फिनिश दिस ऑल देन नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई रियली लव इज दिस सनस्क्रीन ये मुझे पिछले साल आया था मैंने इसके ऊपर वीडियो करा था एंड वीडियो करने के बाद लेट मी ओपन इट वीडियो करने के बाद मैंने ये सनस्क्रीन को पूरा यूज़ करा एंड लेट मी टेल यू व्हाई एक तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे वाले जैसे कि नायासिनमाइड है दिस इज राइस वाटर एंड नायासिनमाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन बाय प्लम सो यस इसको मैंने लास्ट टाइम भी पूरा यूज़ करके कंप्लीट कर दिया था एंड आई वाज वेटिंग कि ब्रांड कब भेजेगा फाइनली ब्रांड ने मुझे ये भेजा टू ट्राई इट आउट अगेन बिकॉज आई रियली लव्ड दिस और मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाला था मैं यही रिकमेंड करती थी सबको सो अगर इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ सनस्क्रीन विच इज़ वेरी लाइट वेट यू कैन गो फॉर दिस आप देखना इसका टेक्स्चर कैसा है देख रहे हो आप बहुत लिक्विडी सा है लाइट वेट है सनस्क्रीन जैसा आपको फील ही नहीं करेगा और सनस्क्रीन इफ़ यू हैव बीन वाचिंग माय वीडियोस देन यू मस्ट बी नोइंग कि सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम ऑल द इन्वायरमेंटल डैमेज लुक एट द सनस्क्रीन देयर इज ऑल्सो नो वाइट कास्ट यू कैन ऑलरेडी सी
व्हाइट कास्ट एकदम नहीं है और इजीली ये स्किन में मेल्ट हो जाता है. नाउ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है राइस वाटर एंड नायासिनमाइड, उसके बारे में मैं बता दूँ. राइस वाटर इज रियली गोइंग टू सूट यू इफ यू आर समवन हु हैज ड्राई स्किन. सो ड्राई स्किन के लिए कोई सनस्क्रीन देख रहे हो आप, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन. और ऑल्सो दिस इज SPF 50, विच आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई व्यूअर्स कि SPF 50 ही लगाना जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हो टू प्रोटेक्ट योर स्किन. नाउ देखो ये लगाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया है. ये तो सनस्क्रीन लगाने के बाद ना एक लेयर सा बन जाता है स्किन में, एंड ऐसा नहीं है. इसको लगाने के बाद also the skin looks very glossy, dewy and shiny, आप देख सकते हो. And also इसमें और एक ingredient है niacinamide. So अगर आपकी skin dry नहीं है, oily भी है, तब भी आप इसको लगा सकते हो, या combination skin है तब भी आप इसको लगा सकते हो, because niacinamide is going to balance your oil control of your face, जिसकी वजह से oil जो है regulate होगी और ज़्यादा oil नहीं निकलेगा. और अगर dry है तो वो still balance out कर देगा. The next product जो again मेरा favorite है and I have been using it regularly, ये भी मुझे PR में आया था. This is a hair care product, is this Frizz Control Complex with SPF 30 Hair Serum by Minimalist. Now नहाने के बाद गीले बालों में मैं इसको एवरीडे लगाती हूँ. इट इज़ वेरी वेरी गुड. इसमें SPF भी है तो सन की वजह से भी बाल जो हमारे डैमेज होते हैं वो तो होगा नहीं अगर आपको बाहर जाना है. ऑल्सो इसमें इंग्रीडियंट्स अगेन लाइक सेरामाइड, कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल है. नाउ सेरामाइड इज समथिंग जो आपके बालों या स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. सो फ्रिजी होगा नहीं ये लगाने के बाद. फ्रिजी तो फर्स्ट यूज में आपको ऐसा पता नहीं चलेगा क्योंकि ये मैं अभी बहुत लगा चुकी हूँ. और ऑल्सो बेस्ट पार्ट, ये बस 2-3 ड्रॉप लगती है. डोंट अप्लाई एज ऑयल क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी है, तो आप ज़्यादा लगा दोगे तो चिपक जाएंगे बाल. जो मैंने पहली बार यूज़ किया था तो ऐसे ही मुझे फील हुआ था. तो अब मैं बस 2-3 ड्रॉप लगाती हूँ. लेट मी शो यू हाउ मच आई यूज़. अभी तो मैंने लगा लिया है गीले बालों में, तो मैं अभी फिर से लगाऊंगी नहीं, तो आपको बस मैं शो करूंगी. आपको बस इतना सा लेना है एंड एक सेक्शन ऑफ बालों में अच्छे से लगा लेना है. एंड अगेन थोड़ा सा अगेन 3-4 ड्रॉप लेके दूसरे सेक्शन में भी लगा सकते हो. खैर मैंने लगा ही लिया है. इससे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है एंड टैंगल्स भी अगर बालों में है वो आपको दिखेगा नहीं. देखो फ्यू ड्रॉप्स लगाने के बाद ऑयली जैसा फील नहीं होता, स्टिकी फील नहीं दिख रही है ना. तो थोड़े से ड्रॉप्स आप लगा सकते हो. आई थिंक सो ऐसे बालों में भी आप लगा सकते हो, मतलब ड्राइड हेयर में. बेसिकली मैं गीले बाल में लगाती हूँ ताकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे बालों के स्ट्रेंथ्स में चले जाए. So ceramide, keratin and argan oil is very good for health. It is going to nourish your health. Also hair ko bada smooth rakhta hai. And yeah, that's all. And best part, it is not that non-sticky. Agar aap zyada loge to sticky lagega. Also aur ek new launch hai from B Body Wise jo mujhe aaya hai. I'm very grateful ki brand mujhe ye sari cheeze bhejte hai aur main use kar pati hu, main review kar pati hu, and basically main apne liye use kar pati hu. तो आई एम मोर ग्रेटफुल फॉर दैट. सो ये एक हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन है. सो इट्स नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी हेयर सीरम जो आपको स्कैल्प में लगाना है, रोल ऑन टाइप का है. तो आपको अपने जहाँ पे आपको लगता है ना हेयर ग्रोथ की थोड़ी सी ज़रूरत है, आप ऐसे करके अपने आगे वाले बालों में इसको लगा सकते हैं. आई डोंट नो हाउ मच विल इट वर्क इफ आई अप्लाई लाइक दिस, बिकॉज ऐसे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है. बट या फॉर बेबी हेयर I feel I can use this. Basically, I'll not use for my scalp or something because it's not that easy to use. ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं थोड़ा सा समझ में आ रहा है. ऐसे भी आपको अगर लगाना है तो लगा सकते हो, बट मेरा ज़्यादा कंसर्न होता है यहाँ पे बहुत फाइन हेयर है मेरे, तो फाइन हेयर के लिए मैं ऐसे लगा सकती हूँ. ईजिली मैं कैरी भी कर सकती हूँ, मेरे ड्रॉयर में भी रख सकती हूँ, और जब मन लगा विदाउट गेटिंग इट मेसी आई कैन अप्लाई इट. सो दैट्स वाई आई लव दिस. सो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज going to be for the body, and this is one of my favorite body lotion from Wishcare. This is AHA and BHA body lotion. Now rough and bumpy skin बहुत सारी लड़कियों को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये चीज़ पक्का है वैक्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी स्किन स्किन में दिखाई देती है, दानेदार जो हो जाता है बॉडी में, तो उस पर आप लगा सकते हो. और अगर बॉडी में टैनिंग भी अगर हो रखी है तब भी आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि स्किन इंग्रेडिएंट ही ऐसे AHA एंड BHA जो आपकी टैनिंग को रिड्यूस करेगा. मतलब बेसिकली AHA एंड BHA क्या करेगा ना, आपकी स्किन के जो डेड स्किन सेल्स होती है एक्सफोलिएट करता है. तो जनरली बॉडी लोशंस में ये चीज़ें होती नहीं है, बट फाइनली मार्केट में आ रही है तो अच्छी बात है. और इसमें 10% AHA है, तो इट्स अ वेरी गुड वन. गुड अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज यूज्ड. अगर आपको बॉडी पार्ट्स में टैनिंग हो रखा है, स्ट्रॉबेरी स्किन है और डल स्किन है, डार्क स्किन है, तो आप ये बॉडी लोशन को अगर ढूंढ रहे हो देन प्लीज गो फॉर दिस वन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू स्मूदन योर स्किन एज वेल एज इस इज गोइंग टू ब्राइटन योर स्किन एज वेल, एंड ऑल्सो नरिश भी करेगा जो एक बॉडी लोशन का काम होता है. सो दिस इज अगेन माई टॉप फेवरेट पिक व्हेन इट कम्स इन बॉडी केयर. सो दीज वर फ्यू ऑफ माई
दिस मंथ्स रीसेंट लॉन्चेस. हालांकि ये इस मंथ का लॉन्च नहीं है, ये पहले से आता था बट मुझे रिसेंटली उन्होंने भेजा था टू ट्राई इट आउट, सो आई हैड टू शो इट टू यू. एंड ये मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर भी मुझे ये आया था पीआर में एंड आई कंप्लीटेड द होल packet of it, so I had to talk about it. So I hope this video was helpful to you. Definitely if you wish you can try out and let me know agar aap try karte ho to kaisa aapko feel hota hai, and they do 100% work. That is the only reason I made this video. So yeah, until we meet next time, bye bye.